अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? लास्ट टाइम पर बेटा हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था। हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने देखा था कि रिपोर्ट्स क्या होती हैं, फॉर्म्स क्या होते हैं, सब फॉर्म्स कैसे क्रिएट होते हैं, स्विच बोर्ड कैसे क्रिएट होता है, और अगर आपने कोई भी बटन्स डिफरेंटली खुद से ऐड करने हैं, उनके ऊपर डिफरेंटली ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, तो आप किस तरह से डिफरेंटली ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपने देखा था कि किस तरह से हम लोगों ने जो है, अगर डिफरेंट शॉर्टकट कीज हैं, तो हम उन्हें किस तरह से अप्लाई करके अपने डाटा को, मतलब कोई शॉर्टकट वे में किस तरह से कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने फॉर्म्स और क्यूरीज और रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया था, रिलेशनशिप्स को हमने देखा था। आई होप सो बेटा आपको वो पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर स्टिल अगर आपको बेटा कोई पॉइंट कंफ्यूज कर रहा है, तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। आज बेटा हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, फंक्शंस इन सी। ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, ठीक है, और बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। और आगे जैसे जैसे आप डिफरेंटली उसमें जाते जाएंगे, प्रोग्रामिंग के डिफरेंट कोर्सेज में पढ़ते जाएंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है, ठीक है, जो आगे थ्रू आउट आपके पास इम्प्लीमेंट होगी, यूज होगी। अब हम देख लेते हैं कि फंक्शन क्या है बेसिकली, ठीक है। आपको वहाँ से भी यहाँ से भी डिटेल्डली डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पहले जो आपकी बुक पे गिवन है, हम लोग उसे एक दफ़ा से डिस्कस कर लेते हैं बेटा। द आइडिया ऑफ अ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इन द रिजल्ट ऑफ इंस्पायरेशन फ्राम द हार्डवेयर मैनुफैक्चरिंग वेयर रेप्लीकेबल कम्पोनेंट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स आर अवेलेबल। अगर एक तरह से देखा जाए कि जितने भी रेप्लीकेबल हैं, या ऐसा टास्क, ऐसे मॉड्यूल्स जो सेम वर्क, सेम फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इफ अ कंपोनेंट ऑफ एन आइटम गेट आउट ऑफ ऑर्डर, इट इज रिप्लेस्ड विद अ न्यूअर वन। मेनी डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स कैन बी कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ हार्डवेयर डिवाइस सच एज अ कंप्यूटर, कार, वॉशिंग मशीन्स। मतलब डिफरेंट, जिस तरह से देखा जाए, रेप्ली कंपोनेंट्स हैं, वो सेम टास्क परफॉर्म करते हैं, तो वो डिफरेंटली डिवाइसेस के अंदर यूज होते हैं और डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन अब हम लोगों ने देखे प्रोग्रामिंग के अंदर के फंक्शन बेसिकली क्या है। फंक्शन आपके पास एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसके अंदर आप अपनी फंक्शनैलिटी को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली खुद से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए, अगर फिलहाल मैं खुद से डिफाइन करने की टर्म फिलहाल वापस लेती हूँ, क्योंकि ये आगे जब मैं आपको फंक्शन के टाइप में करवाऊंगी, तो उसमें मैं आपको बेसिकली एक्सप्लेन करूंगी कि जो टर्म मैंने यूज की यहाँ पे कि फंक्शनैलिटी को डिफाइन करना, हम उसे किस हद तक लेके चल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पे क्या मेंशन है, फंक्शंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक। आपने बेटा जब 8 चैप्टर से लेके ऑनवर्ड प्रोग्रामिंग की, तो उसमें आपने देखा होगा कि आप हेडर फाइल के बाद आप लिखते थे मेन, मेन के बाद आप यहाँ पे इसके जो है राउंडेड ब्रेसेस, और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट। तो आपने देखा होगा कि ये एक मेन फंक्शन है। कोई भी प्रोग्राम जो होता है, उसके अंदर एक फंक्शन लाजमी होता है, डेट इज मेन फंक्शन। बाकी फंक्शन रिक्वायर्ड होते हैं, जिस तरह से आपको जरूरत पड़े उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे डिफाइन कर लें। फंक्शन हमारे पास क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, सी प्रोग्राम के अंदर। दे इनकैप्सुलेट्स पीसेस ऑफ कोड्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। बेसिकली क्या करता है ये, इनकैप्सुलेट करता है, अपने अंदर कंटेन करता है पीस ऑफ कोड को, जो पीस ऑफ कोड स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करवाता है। अब जिस तरह से यहाँ पे मेन है, मेन के अंदर ओवरऑल ये तो ओवरऑल हमारे पास एक कंप्लीट आ रहा है, लेकिन अगर जिस तरह से आप देखो स्क्वेयर रूट का है, या पावर का है, या गेट सी एच का जो फंक्शन लगा रहे होते हैं हम, रिटर्न जीरो का जो एट द एंड फंक्शन लगा रहे होते हैं, ये सॉरी वो तो वैल्यूज के अकॉर्डिंगली पासिंग पैरामीटर है, लेकिन गेट सी एच हो गया, क्लियर स्क्रीन हो गया, या आप स्क्वेयर रूट का फंक्शन देख लें, पावर का, मतलब ऐसा जो आप कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करें, ठीक, उसके लिए एक पीस ऑफ कोड मेंशन कर दिया जाता है कि उस जैसे ही, मतलब हमने अब ये बेसिकली क्या होता है फंक्शन, जब हम लोग चाह रहे हो कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर उसकी रीयूजिबिलिटी को इंक्रीज करना चाह रहे हो, जब हम चाह रहे हो, अब रीयूजिबिलिटी को इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि मैं चाह रही हूँ कि मैं एक पीस ऑफ कोड लिखूं, ठीक है, मैं एक जगह पे एक कोड लिखूं, फिर मुझे जहां जहां जरूरत पड़े, जितनी दफा जरूरत पड़े, मैं सिर्फ क्या करूं, मैं सिर्फ और सिर्फ उसे कॉल करूं, ठीक है, मैं जहां जहां उसे कॉल करती जाऊं, वो ऑटोमेटिकली मुझे उसका रिजल्ट देता जाए। यानी मैंने पीस ऑफ कोड एक दफा लिखा, लेकिन मुझे जहां जहां जरूरत पड़ी, मैंने वहां पर सिंपल उसे कॉल किया और उस अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करवाया।
सही। अब बेसिकली फंक्शंस जो होते हैं ये प्रोग्राम के अंदर रीयूजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए और किसी भी प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। जिस तरह आप लोगों ने जब लूप का प्रोग्राम किया होगा, लूप के फंक्शन वो चैप्टर किया होगा, तो लूप में आप लोगों ने फैक्टोरियल कैलकुलेशन वाला एक प्रोग्राम लाजमी किया होगा। अब अगर लेट सपोज क्लास बेटा, अगर मैं इन केस अगर आप लगे इससे चैप्टर नंबर 12 जो है वो लूप्स का ही है, एक दफा उसे ओपन करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब वहां पे आप देखें कि अगर मैं जो एक नंबर में लेती हूँ यूजर से, मैं उसके लिए फैक्टोरियल का कोड लिखती हूँ, ठीक। उसके बाद मैं दूसरा नंबर लेती हूँ, अब मैं दूसरे नंबर के लिए भी अगेन जो है वो फैक्टोरियल का कोड लिखती हूँ। फिर तीसरी दफा मैं कोई नंबर लेती हूँ, उसके लिए अगेन मैं फैक्टोरियल का कोड लिखती हूँ। इट मीन्स डैट कि मैंने 3 दफा फैक्टोरियल का सेम कोड लिखा, और जब मैंने 3 दफा सेम कोड रिपीट किया तो ऑब्वियसली उसकी नंबर ऑफ लाइंस या प्रोग्राम के अंदर वो ज्यादा हो जाएंगी, और कंपाइलर को हर लाइन को कंपाइल करना है, ट्रांसलेट करना है, तो उस पर टाइम लगेगा। तो इस तरह से हम लोग चाह रहे होते हैं कि जो रिपीटेड कोड है हम उसे वंस टाइम मेंशन करें, और जहां जहां हमें जरूरत पड़े वहां वहां पे हम उसे कॉल कर लें, ठीक। अब जो रियूजिबिलिटी होती है, जो सेम कोड होता है उसे सिंगल उसमें इनकैप्सुलेट करने के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर, सी के अंदर, हम जिस टर्म के अकॉर्डिंगली इस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करवाते हैं, डेट इज बेसिकली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, वो हम फंक्शंस के थ्रू करते हैं। फंक्शंस बेसिकली क्या करते हैं, आपको अलाउ करते हैं अस टू अकम्प्लिश द सिमिलर काइंड ऑफ टास्क ओवर एंड ओवर अगेन। अब जिस तरह से अभी मैं आपको जो अभी से मैंने एग्जांपल जो अभी थोड़ी देर पहले दी है बेटा, उसमें मैंने यही मेंशन किया है ना कि अगर लेट्स सपोज फैक्टोरियल का कोड है, आप उसे 3 जगह पे बार बार लिख रहे हो, और मतलब मेन रिक्वायरमेंट तो सेम ही है ना, फंक्शनैलिटी तो एक ही जगह होगी ना, ऐसे ही है। अब उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए, अब वो बार बार उसकी रीयूजिबिलिटी को वो इनक्रीज, मतलब जो चीज एक मतलब बार बार रिपीट हो रही है उस स्पेसिफिक पर्पस तो सेम है ना, स्पेसिफिक टास्क तो सेम है। अब उस स्पेसिफिक टास्क को सिंपल एक जगह पे लिख ले, और जहां जहां पे हमें जरूरत पड़े वहां वहां पे हम उसे कॉल करें। अब अगर बेटा इन लाइंस को ये जो हमारे पास लास्ट 4 लाइंस है, अगर आप इन्हें दोबारा से रीड आउट करें, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दी उसके साथ अगर मैं दोबारा से इसे रीड आउट करूं, तो आई होप सो अब आपको ये टर्म जो है ये क्लियर हो गई होगी। ये मैंने जो आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ये आगे मैं आपको वन बाय वन इम्प्लीमेंट भी करवाऊंगी, इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए फंक्शंस बेसिकली क्या है। फंक्शंस जो है ये पीस ऑफ कोड होते हैं, ठीक है, या फंक्शंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। ये एक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जिसमें पीस ऑफ कोड मेंशन होता है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, ठीक है। फंक्शन किसी भी प्रोग्राम की रीयूजिबिलिटी को इंक्रीज करता है और प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। ये बेसिक टर्म्स हैं इसकी जो आपने इसके अकॉर्डिंगली याद रखना आपने। इन प्रोग्राम्स वी हैव सीन सो फार द होल प्रोग्राम लॉजिक वाज कंटेन्ड इन अ सिंगल मेन फंक्शन। और मोस्टली अगर कोई जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स आते हैं या इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आप आगे जब थोड़े से बड़े होंगे, अपने बचपन से बाहर निकलेंगे यानी सेकेंड ईयर से आगे जाएंगे जब, तो आपको रियलाइज होगा बेटा कि प्रोग्रामिंग के अंदर सिर्फ एक ही फंक्शन मेन नहीं होता, बल्कि अपने प्रोग्राम को मोर रीडेबल करने के लिए आप अपने प्रोग्राम्स को अपने जो उसके स्पेसिफिक ऑपरेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करते हैं, मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। वो मॉड्यूल्स हमारे पास किसके थ्रू डिवाइड होंगे, फंक्शंस के थ्रू। दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इज नाउन एज अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब ये जो होगा ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होगी। रिकॉल चैप्टर 8 वेयर वी हैव डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। आप एक दफा बेशक आपके पास अभी बुक भी मौजूद होगी, ठीक है, या अपने पिछले लेक्चर्स ओपन कीजिएगा जिसमें मैम ने आपको चैप्टर नंबर 8 डिस्कस किया था, उसमें चेक कीजिएगा कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में बेसिक क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं उस चीज पे नहीं जाती बल्कि मैं अपने फंक्शन के टॉपिक पे अगेन वापस आती हूँ। अब इसमें देखा जाए तो हमारा जो पूरा प्रोग्राम होता है ना, ये ओवरऑल जो है जो लॉजिक्स के अकॉर्डिंगली डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। अब जो डिवाइड हो रहा होता है वो स्मॉलर मॉड्यूल्स या फंक्शन के अकॉर्डिंगली डिवाइड हो रहा होता है। द मेन फंक्शन कॉल्स दीज फंक्शंस वेयर देयर आर नीडेड, दे आर नीडेड।
मेन फंक्शंस के अंदर जहां पे हमें उन फंक्शंस की जरूरत पड़ रही होती है, हम उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली हम सिंपली क्या कर लेते हैं, उनको कॉल कर लेते हैं. अ फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड पीस ऑफ कोड विद अ स्पेसिफिक पर्पस. कोई भी जो फंक्शन होता है उसका अपना एक पीस ऑफ कोड होता है जो अपने स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है. अगर ये देखो, ये यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और अनस्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली अगर हम डिस्कस कर लें, तो अब ये देखो मेन में क्या होगा structure, उसके अनस्ट्रक्चर्ड के अकॉर्डिंगली, कि मतलब हमारे पास सारे का सारा पीस, आप यहाँ पे देखें यहाँ फंक्शंस हैं, ठीक है, फंक्शंस कार. लेट्स सपोज ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, ये लेट्स सपोज फैक्टोरियल का फंक्शन है, ठीक है, जो फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा. ये हमारे पास लेट्स सपोज सम का फंक्शन है. अब लेट्स सपोज मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, मैं सिंपल यहाँ पे क्या करती हूँ, फैक्टोरियल का फंक्शन कॉल कर लेती हूँ. यहाँ से वो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डायरेक्टली आपको रिजल्ट दे देगा. फिर आप सम के फंक्शन को कॉल करते हो, वो कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से क्या होगा कि वो सम कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे मीन में दे देगा, ठीक है. जबकि इसमें क्या होता है कि आप पहले पूरा मतलब प्रॉपरली कोड लिखते जा रहे हैं, फैक्टोरियल का लिखा, फिर आपने सम का लिखा, आगे आपको दोबारा फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, आपने दोबारा फैक्टोरियल का लिखा, आगे आपने सम कैलकुलेट, मतलब आप देखो काम सेम हो रहा है लेकिन आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बार बार वही सेम पीस ऑफ कोड बार बार मेंशन कर रहे होते हैं. अब हम देख लेते हैं फंक्शन, अगर मैं अगेन रिपीट करूं बेटा कि फंक्शन क्या है. फंक्शन पीस ऑफ कोड होता है, एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसमें एक पीस ऑफ कोड होता है जो स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए होता है. ये किसी भी प्रोग्राम की रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज करता है, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है और मॉड्युलैरिटी को, मतलब मॉड्युलैरिटी के अकॉर्डिंगली प्रोग्राम को रीडेबल में लेके आता है, उसके अकॉर्डिंगली आप इजीली उसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक. अभी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आगे हम लोग फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके. अब हम लोग आज की क्लास में सिर्फ हम इतना देखेंगे कि फंक्शंस हैं क्या और फंक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है. कल फिर हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और वन बाय वन हम इन्हें परफॉर्म भी करेंगे. इम्पोर्टेंस देखें अगर हम फंक्शन की, आप प्रोग्राम में, अब अगर मैंने जो पिछली एग्जाम्पल आपको दी है उससे भी आपको इसकी एडवांटेजेस का अंदाजा हो जाएगा कि पीस ऑफ कोड आपको बार बार लिखना पड़ रहा है, ठीक है. अब आपको बार बार लिखने वाला काम आसान लग रहा है या आपको एक दफा लिखो और जहां जहां जरूरत पड़े वहां वहां पे आप उसे कॉल कर लो, ये चीज आसान है ना. लेकिन खैर हम वन बाय वन यहाँ पे एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है. अब प्रोग्राम में हैव रिपीटेशन ऑफ अ पीस ऑफ कोड एट वेरियस प्लेसेस. एक प्रोग्राम के अंदर जो सेम पीस ऑफ कोड होता है वो एक से ज्यादा दफा रिपीट हो रहा होता है. विदाउट द एबिलिटी टू पैकेज a block of code into a single function, program would end up being much larger. अगर आप, अगर जिस तरह से देखा जाए कि मैं अभी यहाँ पे ऊपर भी बेटा mention है कि same जो piece of code है वो repeat हो रहा होता है बार बार, उसके accordingly क्या होता है आपका program जो है वो lengthy होना start हो जाता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है, readable उसके accordingly उसे understand करना थोड़ा tough होना शुरू हो जाता है. लेकिन अब अगर आपके पास जो piece of code same है, आप अगर उसे एक ही जगह पे लिख लो तो वो ज्यादा बेटर होगा या नहीं. बट द रियल रीजन टू हैव फंक्शन इज टू ब्रेक अप अ प्रोग्राम इनटू अ इजीयर मैनेजेबल चंक्स. फंक्शन का बेसिक पर्पस क्या होता है कि प्रोग्राम को मैनेजेबल और इजीली चंक, छोटे छोटे चंक्स में, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करना उनकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है. और हर चंक, हर फंक्शनल मॉड्यूल जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है. द यूज ऑफ फंक्शंस प्रोवाइड सेवरल बेनिफिट्स. अब देखो यहाँ पे कुछ चार पांच मेजर बेनिफिट्स मेंशन है, वन बाय वन हम इसे डिस्कस कर लेते हैं. दे हैव प्रोग्राम सिग्निफिकेंटली इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन. ये आपके क्या करता है, प्रोग्राम को इजी बनाता है अंडरस्टैंड करने में और मेंटेन करने में. कैसे अंडरस्टैंड करने में, कि आपके जो चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, ऊपर भी रिपीट हो रही है, नीचे भी हो रही है, आपको ऊपर से लेकर नीचे तक देखना पड़ रहा है, तो आपको मतलब कोई न्यू चीज उसमें नहीं है, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कि यार क्या मैं बार बार एक ही चीज देख रहा हूँ, या अगर बीच में कोई चीज माइनर से चेंज होगी तो इससे बेहतर नहीं है कि आप एक ही जगह पे उसे मेंशन करें ताकि आप इजीली उसे समझ भी सके और मैनेज भी कर सकें और मेंटेन कर सकें. द मेन प्रोग्राम कैन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन कॉल्स. और मेन फंक्शन के अंदर, मेन प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, मेन फंक्शन के अंदर क्या होता है कि बाकी जो फंक्शंस डिफाइंड होते हैं उनको हम सिंपली कॉल कर ले रहे होते हैं. अब जो उनकी फंक्शनैलिटी होती है, जो उनका पीस ऑफ स्पेसिफिक कोड होता है जो उस फंक्शन के अकॉर्डिंगली मेंशन होता है, वो हम सेपरेटली डिफाइन करते हैं.
और इसके अकॉर्डिंगली बहुत से कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम डिफाइन नहीं करते, ठीक है, और वो किस तरह से होता है वो हम आगे देखेंगे. फंक्शन इंक्रीज रीयूजिबिलिटी ऑफ द कोड. ओके बेटा, अब यहाँ पे देखें, फंक्शन इंक्रीज रीयूजिबिलिटी ऑफ कोड. रीयूजिबिलिटी ऑफ कोड का क्या मतलब है यहाँ पे, एक मिनट के लिए सोचिए और मुझे बताएं. इसका मतलब बेटा ये है कि एक दफा कोड लिखा, जहां जहां पे जरूरत पड़ती गई वहां वहां पे आप उसे कॉल करते गए, यानी रीयूजिबिलिटी तो इंक्रीज हो रही है ना. वेल रिटन फंक्शंस मे बी रीयूज्ड इन मल्टीपल प्रोग्राम्स, यानी आपने एक फंक्शंस जो एक जगह पे लिखे गए हैं उन्हें मल्टीपल प्रोग्राम्स में मल्टीपल एक ही और इवन के एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल प्लेसेस के अंदर ऊपर हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है. Different programmers working on one large project can divide the workload by writing different functions. अगर कोई जिस तरह से कोई भी अगर आपको क्लास की टीचर कोई टास्क दे देती है, आपको कोई ग्रुप में असाइनमेंट दे देती है या कोई प्रोजेक्ट दे देती है, तो बेटा अगर आप एक ग्रुप में तीन लोग हैं, आप तीन लोग आपस में क्या करोगे, उस पीस ऑफ जो आपको टास्क दिया गया है उसे सब डिवाइड कर लोगे ना, कि चलो यार लिखने का काम मैं कर लेती हूँ, डायग्राम्स आप बना लो, चार्ट्स तुम बना लो, मतलब आपस में काम डिवाइड करोगे ना. सेम इसी तरह से कोई जब प्रोग्रामर होते हैं, प्रोग्रामर कौन होते हैं, जो प्रोग्राम्स को राइट करते हैं, जो सॉफ्टवेयर डिजाइन्स करते हैं, अब उन्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है. अब एक ही बंदा अगर उस प्रोजेक्ट पे काम करेगा वो ज्यादा टाइम लेगा, बनिस्बत इसके के तीन लोग मिलके या उससे ज्यादा लोग मिलके आप उस पे काम करें. और ये कैसे पॉसिबल है कि टास्क को डिवाइड करें. अब वो टास्क को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, वो फंक्शंस के थ्रू, मतलब एक फंक्शन मैं बना रहा हूँ उसकी फंक्शनैलिटीज को डिफाइन कर लेते हैं कि अच्छा इस प्रोजेक्ट के अंदर ये काम होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली फंक्शनैलिटीज को डिवाइड कर लेना कि ठीक है ये काम मैं कर लूंगा, ये तुम कर लो, ये तुम कर लो. और फिर एट द एंड क्या करता है, किया जाता है कि उन फंक्शनैलिटीज को कंबाइन कर लिया जाता है. इस तरह से क्या होता है कि पैरेलल वर्किंग परफॉर्म होती है. पैरेलल वर्किंग मीन पैरेलली मतलब जो है काम तीन पर्सन है, अगर वो तीनों काम कर रहे हैं तो वो पैरेलल वर्क कर रहे हैं ना, और सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट जो है वो इजीली और फ्रीक्वेंटली परफॉर्म हो जाएगी. उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास एडवांटेज है वो क्या है, फंक्शंस कैन बी एग्जीक्यूट एज मेनी टाइम्स एज नेसेसरी, ठीक है, फ्रॉम प्लेसेस डिफरेंट प्लेसेस इन द प्रोग्राम. अब ऑब्वियसली आपने एक जगह पे पीस ऑफ कोड मेंशन कर दिया है, वहां उसके बाद आपको जहां जरूरत पड़ रही है आप इजीली उनको कॉल कर सकते हो. उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने एक लिमिटेशन नहीं है कि आप सिर्फ दो दफा कॉल कर सकते हो या तीन दफा कॉल कर सकते हो, आप जितनी दफा कॉल करना चाहो आप नेसेसरीली उन्हें कॉल इजीली परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है. व्हेन एन एरर अराइज, जब भी कोई एरर आता है, रादर देन एग्जामिनिंग द होल प्रोग्राम द इंफेक्टेड फंक्शन इज डिबग्ड ओनली. अब अगर किसी जगह पे अब ऑब्वियसली अगर आपने पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप उधर कोई एरर आता है तो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे प्रोग्राम को डिबग करना पड़ता है, एरर फाइंड आउट करना पड़ता है और रिमूव करना पड़ता है, ऐसे ही है. जबकि जब आपने कोई फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है, तो आपने स्पेसिफिक पीस ऑफ कोर्स जो है वो सिंपली मॉड्यूल्स में डिफाइन किए हुए चंक्स के अकॉर्डिंगली, ऐसा है या नहीं है. अब उसके अकॉर्डिंगली एरर को फाइंड आउट उन स्पेसिफिक पीस में जाके उस एरर को फाइंड आउट करना इजी होगा या मुश्किल होगा. इजी होगा ना, कि आपको एक एरिया स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आपका एरर इस जगह पे होगा. इस तरह से आपको एरर को फाइंड करना और एरर को रिमूव करना दोनों इजी हो जाएंगे. ओके क्लास, अब आप लोगों का काम क्या है, आपका होम टास्क क्या है बेटा, कि आपने यहाँ पे ये जो फंक्शन है, फंक्शन की इवन की जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है कि फंक्शंस क्या है, उसके अलावा जो यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 के साथ मेंशन है कि स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, एक दफा उसका ओवरव्यू लेके आना है कि वो बेसिकली क्या है. और उसके अलावा बेटा आपने देख के आना है कि हमारे पास फंक्शंस की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, कि फंक्शंस हमें क्यों यूज करने चाहिए और कौन से मेजर एडवांटेजेस हैं, ठीक है, जिसके थ्रू फंक्शंस की जो ओवरऑल हमारी मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर इम्पोर्टेंस ज्यादा हो गई है, ठीक है. इन चीजों को देख के आना है. नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग देखेंगे कि हमारे पास फंक्शंस की मेजर कितनी टाइप्स हैं, ठीक है. हमारे पास मेजरली दो टाइप्स के फंक्शंस हैं, एक बिल्ट इन फंक्शंस, एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस. What is major difference between built-in function and user-defined function? ये हम अपने इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और विद एग्जाम्पल्स हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे.
अब आप लोगों ने लाजमी तौर पे इन दोनों पेजेस को अच्छे से डिस्कस करना, पहले देखना है, रीड आउट करना है, अंडरलाइन करना है, कोई पॉइंट कोई स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करती है तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एट द एंड हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम इसकी दोनों टाइप्स को देखेंगे और उसके बाद हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है बेटा। आप लोगों ने लाजमी एक दफा इसे देखना है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।